Welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 25th of August and we are going to discuss the current affairs of the day, right? And we are also starting a new batch from 2nd of September, that too for 2023 examination. ठीक है, आपका जो भी पेपर है वो समवेयर अराउंड आपका अगर मार्च में होता है, मार्च या अप्रैल, तब तक हम आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा देंगे. और ये एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम का ही है. वी आर ओनली कैटरिंग इंग्लिश मीडियम बैचेस फॉर MPPSC 1 ईयर एंड 2 ईयर. तो आप जो भी बच्चे हैं इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आपको जो भी सैम्पल मटेरियल, सैम्पल नोट्स या डेमो लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप इस नंबर पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं. और जो बच्चे ऑलरेडी कहीं से प्रिपरेशन कर चुके हैं, दे कैन गो फॉर ये 50 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि सारे यूनिट वाइज टेस्ट होंगे. पहले 35 यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, देन आपके फुल मार्क्स होंगे 2 राउंड. तो ये आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. इसका भी शेड्यूल आप सेम इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं. चलिए, लेट स्टार्ट विद द करेंट अफेयर्स. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, CM अनाउंस टू मेक अ न्यू 55th डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विच इज. अभी CM जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो एक और नया डिस्ट्रिक्ट बनाने जाएंगे. 55th डिस्ट्रिक्ट जो बनेगा मध्य प्रदेश का, वो इनमें से कौन सा है? पांडुर्ना, नागदा, मऊगंज या निवारी. ठीक है, अगर आपको ध्यान से देखें इन ऑप्शंस को, तो निवारी हमारा 52nd डिस्ट्रिक्ट रहा. ठीक है, फिर मऊगंज जो है वो 53rd, नागदा इज 54th, और ये नया जो अभी इन्होंने अनाउंस किया है कि जो बनेगा 55th, दैट इज पांडुना. ये दे सकते हैं पांडुना. और ये किससे अलग होके बनेगा? ये आपके छिंदवाड़ा से अलग होके बनेगा. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि छिंदवाड़ा से अलग होके ये बन रहा है. और ये जो है ये क्या है? मेजॉरिटी ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल. यहाँ मराठी लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है. मतलब परसेंटेज वाइज अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे स्पीक इन मराठी लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ बॉर्डरिंग महाराष्ट्र. ठीक है, तो नागपुर इसके जस्ट पास में, नागपुर ही कनेक्टेड है लगता है इसमें. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. जाम सावली वेयर हनुमान लोक इज बिंग बिल्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट. जाम सावली में जहाँ पे हनुमान लोक का निर्माण किया जा रहा है अभी, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा या मंडला. वो भी किस में है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है. आप देख सकते हैं हनुमान जी जो है यहाँ पे, इस तरीके से हनुमान जी की मूर्ति है. ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए, जाम सावली में क्या है? हनुमान लोक, जो कि कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तीही, ये ध्यान रखना आप, तीही लॉजिस्टिक पार्क, तीही लॉजिस्टिक पार्क इज इन विच डिस्ट्रिक्ट. जो तीही लॉजिस्टिक पार्क है वो इनमें से किस जिले में है? गुना, भोपाल, सागर या फिर इंदौर. वो है अपने इंदौर में, मऊ तहसील में आता है. राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. अमझेरा, ये ध्यान रखना है आपको, क्या है? अमझेरा इन धार डिस्ट्रिक्ट. कहाँ पे अमझेरा? धार डिस्ट्रिक्ट. इज फेमस फॉर बैटल विच टुक प्लेस इन विच ईयर. इसका मतलब है कि बैटल ऑफ अमझेरा जो है वो कब हुई थी, आपसे ये पूछा गया है. और ऑप्शन है 1528, 1628, 1928 या 1728. द करेक्ट आंसर इज 1728. इट वॉज अ बैटल बिटवीन मराठास वर्सेज मुगल्स. राइट, मुगल्स को हरा दिया था मराठास ने यहाँ पे. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 अमंग द मिलियन प्लस सिटीज भोपाल इज एट. ठीक है, भोपाल का क्या नंबर है? 1st, 5th, 13th या फिर 41st. ठीक, तो भोपाल इज इन 5th रैंक. भोपाल 5th रैंक पे, और 1st पे कौन है? 1st पे इज इंदौर सिटी. ठीक है, इंदौर जो है क्लीनेस्ट वहाँ की एयर है. राइट, 13th नंबर पे कौन है? इट इज जबलपुर. और 41st पे ग्वालियर. ठीक, आप ये देख सकते हैं, है ना, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी इंदौर जो है अव्वल है. स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम 5 में से 2 पुरस्कार मध्य प्रदेश ने प्राप्त किए हैं. तो ये जो 2 देख रहे हैं आप, ये हो गया आप भोपाल का और इंदौर का, ये 1st और 5th 2 आए हैं 1st 5 में. सर्वेक्षण में इंदौर ने प्रथम, भोपाल ने 5वां, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41st प्लेस लिया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं.
नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी रिलीज हुए हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हैं, ठीक है, तो उनका कौन सा एडिशन अनाउंस हुआ है अभी? नेशनल फिल्म अवार्ड्स विच एडिशन गॉट अनाउंस रिसेंटली अभी है, उसका कौन सा एडिशन था? ऑप्शंस आर 66, 67, 68 या फिर 69। करेक्ट आंसर इज 69th एडिशन। तो इसमें आप एक दो चीज़ और याद रखिएगा कि जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसे मिला है? वो मिला है अल्लू अर्जुन को, किस मूवी के लिए? पुष्पा मूवी के लिए, राइट। और जो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है वो आलिया भट्ट को मिला है, राइट। आलिया भट्ट को मिला है किसके लिए? गंगूबाई मूवी के लिए, राइट, गंगूबाई मूवी के लिए। और इसके बाद एक और हैं एक्ट्रेस कृति सेनन, उनको भी मिला है मीमी मूवी के लिए, राइट। तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन है, बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड किसे मिला है इन द नेशनल अवार्ड्स, ठीक है, किसको मिला है? बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड इन नेशनल अवार्ड इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज? ऑप्शन आर पुष्पा, सरदार उधम, ड्रीम गर्ल, गदर टू। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरदार उधम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदन महल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मदन महल इज सिचुएटेड एट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में मदन महल सिचुएटेड है? आंसर इज जबलपुर, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट, कल भी मैंने आपको बोला था पैलेसेज और फोर्ट्स हैं, राइट। अब जैसे रायसेन है, तो रायसेन में क्या क्या है? यहाँ पे है राजा रोहित महल, ये याद करते हुए चलिए, इकट्ठे बाद में याद नहीं होते हैं। राजा रोहित महल, बादल महल, राइट, सॉरी, इत्रादार महल, ठीक है, ये सारे के सारे रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। ग्वालियर में क्या क्या है? ये बहुत सिंपल है, ठीक है, गुजरी महल वहाँ पे है, मोती महल वहाँ पे है, जयविलास पैलेस वहाँ पे है, राइट। फिर जबलपुर का आपने बता ही दिया, मदन महल है, ठीक है, धार में भी काफ़ी सारे हैं, जहाज महल है वहाँ पे, है ना, अशरफी महल है ना, और वहाँ दाइका महल भी है, राइट, और रानी रूपमती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए, एक साथ याद नहीं होती, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, तो इनको आप मेमोराइज़ कर लीजिए। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो।